इसमें चार बीवी 40 बच्चे, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ये मैंने बयान दिया था, मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। एक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कड़ा कानून बनना चाहिए, चाहे हम दो, हमारे दो, सबके दो और उनके भी दो, या इससे भी कोई कड़ा कानून सरकार बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी इशारा कर चुका है कि सुरसा की तरह जनसंख्या अपना मुंह बढ़ाती चली जा रही है, सुरसा के मुंह की तरह, तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। और अधिकांश लोकसभा और राज्यसभा के MP माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर चुके हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। और मेरा भी अभिमत यही है कि जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। दिन और रात, अंधकार और प्रकाश, ये द्वंद्व हैं और द्वंद्वों के आधार पर सृष्टि हुई है। अच्छी बात है कि समझदार मौलानाओं ने, जिसमें देवबंद भी शामिल है, योगी जी इस कदम की दिल से, दिल की गहराई से सराहना की है। तो शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिए योगी की सरकार जो कदम उठा रही है, समझदार लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और ना समझ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी बात है, नीतीश जी कई बार कह चुके हैं, पर BJP उनको लिए कौन रहा है? मुझे लगता है BJP से नाता तोड़ करके नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक भूल की है, और जब वो राजनीति से बेदखल हो जाएंगे तब उनको अपनी गलती का एहसास होगा। ये कहकर के मैं नहीं जाऊंगा, क्या ये प्रयास कर रहे हैं कि BJP वाले प्रयास करें कि आप आ जाओ मनाए? अब उन्हें BJP वाला कोई मनाने वाला नहीं है, वो चारा घोटाले वालों के साथ में रहें और करप्शन में डूब जाएं और घोटाले अपने यहाँ कराएं। साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन नीतीश को हम अच्छा समझते थे, वो नीतीश भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत भी सांस ले रही होगी नीतीश कुमार की आत्मा, तो धिक्कार रही होगी कि तुमने गलत निर्णय लिया। अधिकांश प्रदेशों में और देश में भाजपा का कोई विकल्प है ही नहीं। मोदी जी का महामंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ये जादू की तरह सिर चढ़कर के बोल रहा है। और देश में, विदेश में, प्रदेश में, जहाँ कहीं सभाएं होती हैं, लोग मोदी 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 इतने फैन हैं। हिमाचल तो बहुत अच्छे लोगों का प्रदेश है, निश्चित रूप से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।